Thank you for talking to me. Okay. Happy, have a great 2024. Yeah? Finally, VIP second stand के ऊपर क्लैडिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। फाइनली स्क्रीन के साथ जो खाली जगह था यहाँ पे भी शीट का काम हुआ है, आप देख सकते हैं। बाहर भी क्लैडिंग का काम जारी है काफ़ी तेज़ी से। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। आज एक बार फिर मैं अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्लैडिंग का काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट काम हुआ है, यहाँ पे भी काम हुआ है क्लैडिंग के ऊपर। तो ये बाहर का व्यू है और यहाँ पे जो क्लैडिंग का काम हुआ है वो आपके सामने है। अब शाम का टाइम है इसलिए आप लोगों को यहाँ पे लेबर नज़र नहीं आ रहा होगा। VIP सेकंड स्टैंड के ऊपर भी काम मुकम्मल हो चुका है क्लैडिंग का, आप देख सकते हैं। तो ये आखिरी काम था इस साइड पर, बाकी भी आप देख सकते हैं पूरी स्टेडियम। तो यहाँ पे भी क्लैडिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, इसी तरह यहाँ पे भी। तो यहाँ से मैं आपको पूरी स्टेडियम दिखाऊंगा। सिर्फ एक स्टैंड बाकी है क्लैडिंग से और वो है इस साइड पे, आप देख सकते हैं ये स्टैंड बाकी है क्लैडिंग का काम यहाँ पे। और साथ साथ लेवलिंग का काम भी जारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी को डाला है और ये बिल्कुल स्ट्रेट जो बॉलर का एरिया है, तो यहाँ पे ज़रूरत थी मिट्टी की। इसी तरह पूरी स्टेडियम में जहाँ भी ज़रूरत हो तो वहाँ पे मिट्टी का काम जारी है और साथ साथ लेवलिंग का काम भी जारी है पूरी स्टेडियम में। और यहाँ पे जो कुछ नया काम हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। रूलिंग का काम भी यहाँ पे हुआ है मिट्टी के ऊपर। ये है ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर, इसने भी विज़िट किया है अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम और इसने कहा है कि मैं काफ़ी पुरुद हूं कि यहां पे पीएसएल के मैचेस हो, और पिशावर जलमी का सपोर्टर भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहां पे वीडियो भी इसने बनाई है स्टेडियम की और स्टेडियम को भी पसंद किया है। और अब यहाँ पर कुछ ग्रास भी मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ पर अभी भी काम हो रहा है ग्रास के ऊपर। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवलिंग का काम हुआ है और साथ साथ यहाँ पे ग्रास लगाने का काम भी जारी है। जो यहाँ पे लेटेस्ट काम हुआ है वो यहाँ पे हुआ है और ये जगह बाकी है, इंशाल्लाह यहाँ पे भी होगा। और सामने थोड़ा सा काम हुआ है ग्रास का। ये है पिचेस एरिया, पिचेस के ऊपर रूलिंग का काम भी हुआ है और यहाँ पे भी कुछ काम हुआ है ग्रास के ऊपर। इसी तरह मैं आपको इनसाइड हॉस्टल भी दिखाऊंगा, इनसाइड हॉस्टल में सीलिंग का काम भी मुकम्मल होने वाला है। इस वक्त मैं बिल्कुल करीब आया हूँ, ये है VIP सेकंड स्टैंड जहाँ पे क्लैडिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनसाइड हॉस्टल और साथ साथ यहाँ पे जो कटिंग का काम हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ऊपर आप देख सकते हैं लेबर मसरूफ़ है काम में। क्लैडिंग का काम यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, ये है VIP सेकंड स्टैंड और सामने कटिंग का काम भी जारी है, लेबर मसरूफ़ है काम में। ये है क्लैडिंग पीस। जिसने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाइए। तो यहाँ पे लेबर मसरूफ़ है अपने काम में। फाइनली यहाँ पे भी शीट का काम हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल आखिरी काम था शीट का, जहाँ पे शीट का काम बाकी था और साथ साथ मुरम्मत का काम भी जारी है सीढ़ियों के ऊपर। यहाँ पे जो प्लास्टर का काम हुआ है आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नया काम हुआ है यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड स्टैंड के लिए और वहाँ से मैं आपको शीट का काम भी दिखाऊंगा। शीट के ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है, ये भी लेटेस्ट अपडेट है। सेफ्टी ग्रिल के नीचे भी कंक्रीट का काम हुआ है। स्क्रीन के साथ ये जगह खाली था, फाइनली यहाँ पे भी शीट का काम हुआ है आपके सामने है। अभी भी लेबर मसरूफ़ है, ऊपर काम जारी है।
और साथ साथ यहाँ पे भी कंक्रीट का काम हुआ है। स्टैंड और सेफ्टी ग्रिल के दरमियान एरिया है और यहाँ पे कुछ चेयर्स को इंस्टॉल किए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू चेयर्स। और यहाँ पे जो कंक्रीट का काम हुआ है वो भी आपके सामने है। और यहाँ पे जो लेटेस्ट काम हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मरम्मत का काम भी जारी है स्टेडियम में। तो यहाँ पे ये नया काम हुआ है कंक्रीट का, स्टैंड और सेफ्टी ग्रिल के दरमियान जो एरिया है यहाँ पे लेटेस्ट काम हुआ है कंक्रीट का। ऊपर लेबर मसरूफ है, शीट के ऊपर काम जारी है। यहाँ पे भी क्लैडिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त मैं आया हूँ इनसाइड हॉस्टल, ये है फर्स्ट फ्लोर। आप लोगों को पता है कि ऊपर काम जारी है, तो इस वक्त मैं आया हूँ थर्ड फ्लोर में। फाइनली यहाँ पे सीलिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी सफाई के साथ यहाँ पे काम हुआ है। इसी तरह ऊपर भी काम मुकम्मल हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा फोर्थ फ्लोर में। ये है थर्ड फ्लोर और यहाँ पे रूम्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रूम्स प्लेयर्स के लिए। और यहाँ पे मैं आपको लेबर्स भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे काम जारी है, फ्रेम का काम यहाँ पे जारी है सीलिंग के ऊपर। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, ये है फोर्थ फ्लोर, यहाँ के मनाजिर आपके सामने हैं। सीलिंग के ऊपर यहाँ पे जितना भी काम था वो मुकम्मल हो चुका है। उस साइड पे मैं आपको हॉल भी दिखाऊंगा। फाइनली यहाँ पे भी काम मुकम्मल हो चुका है, काफ़ी बड़ा हॉल। और साथ साथ इनसाइड मैं आपको वॉशरूम्स भी दिखाऊँगा कि वहाँ पर काम हुआ है या नहीं। और यहाँ पर किचन भी होगा प्लेयर्स के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काम हुआ है इनसाइड। और ये है वॉशरूम्स, यहाँ पे काम अभी तक नहीं हुआ है, बाकी फ्रेम का काम मुकम्मल हो चुका है। उसी तरह यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी काम हुआ है। और ये है किचन, यहाँ पे भी काम बाकी है, फ्रेम का काम जितना भी था वो मुकम्मल हो चुका है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा काम बाकी है। तो ये अंदर का व्यू है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। उस साइड पे अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम भी आप देख सकते हैं। और अब मैं बाहर आया हूँ, यहाँ से एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो क्लैडिंग का काम यहाँ पे हुआ है। वाइट कलर क्लैडिंग शीट आपके सामने है, तो ये बाहर के मनाजिर हैं। और इस साइड पर ये है हॉस्टल, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा। अल्लाह हाफिज़।